तो गाइस आप देख सकते हैं कि हम लोग अब जा रहे हैं अंजुना बीच, और अभी हम लोगों ने ले ली है स्कूटी। सो हम लोग आगे, जैसा कि हमने आपको बोला था कि गोवा घूमने का जो मजा है असली, वो तो टू व्हीलर पे ही है। सो बागा बीच में हमने कोई वाटर एक्टिविटी नहीं करी, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं, तो हमने सोचा अंजुना बीच पे जाके करेंगे। एंड देन वहाँ से हम लोग घर आ गए थे, और अब हम अंजुना बीच की तरफ जा रहे हैं। हम लोग फाइनली अंजुना बीच पहुंच चुके हैं। तो अंजुना बीच जो है वो पॉपुलर है अपने वाटर स्पोर्ट्स वगैरह के लिए। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू बागा बीच। सो हम लोग वही चेकआउट करने आए हैं कि यहाँ पे और क्या क्या वाटर स्पोर्ट्स में हमको ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये अंजुना बीच का पार्किंग एरिया है, आपको यहाँ पे टू व्हीलर की पार्किंग मिल जाएगी, और एक साइड आपको बहुत सारे ऐसे शॉप्स मिल जाएंगे, आप शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ से। सो ये है अंजुना बीच, यहाँ पे काफ़ी अच्छी वाइब थी, हर साइड म्यूजिक बज रहा था। जैसे ही हम लोग इंटर किए, इतना अच्छा लगा, ऐसे पास से समुंदर दिख रहा था, इतनी तेज लहरें थी यहाँ पे। अभी हम लोग करने जा रहे हैं जेट स्की, और जेट स्की के जो चार्जेस है वो है 600 रुपीज पर पर्सन। आवाज म्यूजिक आप सुन सकते हैं, बहुत लाउड है। दो शैक्स है यहाँ पे, एक इधर शैक्स है। म्यूजिक चल रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है देख के। सो अभी ये जा रहे हैं जेट स्कीइंग के लिए। मेरी तो भाई एक ही शर्त थी, अगर मैं नहीं भी हूँगी तो ही मैं जेट स्कीइंग करूँगी। आई कैन गेस कि इनको बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे जेट स्कीइंग के लिए। मुझे बस एक ही टेंशन थी कि अगर मैं भींग जाऊँगी तो बेबी को कैसे लूँगी, फिर वो भी भींग जाएगी तो मुझे फिर से होटल जाना पड़ेगा चेंज करने के लिए। मैं इनसे अभी यही कह रही थी कि भैया प्लीज़ मुझे भिंगाइएगा नहीं, भिंगाइएगा नहीं। तब तक एक बड़ी लहर आई और मैं पूरा भींग गई। एंड दे आर लाफिंग, मेरे हस्बैंड और ये सब लोग हंस रहे हैं उसी पे। भाई साहब, लोग कैसे करते हैं जेट स्कीइंग और कैसे वो इंजॉय करते हैं। मैं तो सर ऊपर कर रही थी तो बार बार मेरा फेस दोनों हैंडल के बीच वाला स्पेस में टकरा रहा था लहर की वजह से। लग रहा था मेरा मुँह ही टूट जाएगा। और फेस नीचे कर रही थी तो वो डांट रहा था कि मैम फेस ऊपर करो, फेस ऊपर करो। मैंने बोला भाई रोक दो मुझे, अब मत घुमाओ। फिर उन्होंने 2 सेकंड में ही मेरे को रोक। जेट स्कीइंग के अलावा यहाँ पे हम लोग बम्पी राइड भी कर सकते हैं, बनाना राइड भी कर सकते हैं, पैरासेलिंग भी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं यहाँ पे पैरासेलिंग हो रहा है। हम लोग भी पूछने गए थे पैरासेलिंग के लिए, बट उन्होंने कहा कि अभी शाम हो गई है तो हम लोग अब नेक्स्ट डे करेंगे पैरासेलिंग। सो हम लोग वापस होटल आ गए हैं चेंज करने के लिए, उसके बाद जाएंगे शाम में पार्टी करने। सो आप जैसा कि देख सकते हैं कि अभी हम लोग हैं टीटोज लेन के पास, वहाँ से जो बीच का रास्ता जाता है वहाँ पे हैं। यहाँ पे जो शैक्स हैं, आते हैं जो शैक्स हैं वो बहुत अच्छे शैक्स हैं, और नाइट में तो ये और ही कुछ और ही लग रहा है भाई। आपको एक बार दिखा देते हैं, तू एंड पापा एंजॉयिंग देयर टाइम। Thank you.
कैसा लग रहा है भाई साहब? तो के लिए मैंने क्या लिया। लवली जब आप कभी बाहर किसी स्टेट में आए तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, वरना इन लोगों की तरह आप उठक बैठक करना पड़ सकता है। अभी भाई लोगों ने, दोनों लोगों ने उठक बैठक लगाई है मस्त। तो आप जहाँ पे भी जाएं वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपरली फॉलो करें। तो गोवा पे बीच साइड में बैठ के दारू पीना मना है, तो आप वो काम नहीं कर सकते। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो की इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिल पाए। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, रूट्स एंड डेस्टिनेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।